हेलो मैड गैंग, कैसे आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का मैड फॉर फन के इस नए वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं आप सभी का फेवरेट कुकिंग चैलेंज। लेट मी करेक्ट, मिस्ट्री कुकिंग चैलेंज विद चैट जीपीटी। एक्चुअली चैट जीपीटी आजकल बहुत ट्रेंड पे है, बहुत सारे लोग उससे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम ये मिस्ट्री इंग्रेडिएंट्स देके उससे सवाल पूछ ले, रेसिपी पूछ ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो उसे नहीं पता, मैंने उसे दिए और उसने मुझे दिए जो मुझे नहीं पता। तो आई एम सो क्यूरियस कि वो क्या है। तो चलिए देखते हैं और कुकिंग स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, 1, 2 and 3। मेरे को बता कौन ये कच्ची मूंग दाल और ये ब्रेड से मैं क्या बनाऊं। वो छोड़ साहिल, लेकिन तुझे एटलीस्ट इंडियन तो दिया। ये तो ना मैगी लग रही है ना कुछ ना कुछ। और इसका और इसका क्या कॉम्बिनेशन है बता। तू बहुत कोरियन कोरियन करती है ना, कोरिया कोरिया करती है ना, तो रामेन दिया तुझे। आई एम नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड बिकॉज मेरे पास है चैट जीपीटी। मैं डर गया, मैं बोला और एक कोई कंटेस्टेंट आया है साथ में हेल्प करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने केप्स पहन लेते हैं और सुपर हीरो बन जाते हैं। तो चैट जीपीटी से रेसिपी पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुझे यार बहुत अजीब लग रहा है यार, क्या रेसिपी पूछूं। मेरे को शर्म आएगा, वो बोलेगा भाई कुछ नहीं बनता इससे। स्पाइसी रामेन। मेरा जनरेट होने स्टार्ट भी हो गया। मस्त रेसिपी दिया इसने मेरे को। अबे ये खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे लगा है मेरा काम आसान करेगा, लेकिन नहीं। 1 onion थिनली स्लाइस्ड। ओके ओके, ये क्या है। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। क्या करना था लिखने के लिए। साहिल हट ना, तेरी वजह से टाइम लग रहा है साहिल मुझे। वैसे अगर है ना ये मिस्ट्री कुकिंग AI के साथ नहीं होता ना, तो फिर मैं AAI से पूछता, मतलब मेरे आई से पूछता। नाइस, आई लाइक दैट। कांदा इतना गंदा है ना, ये देख के मेरे को कैसा तो भी हो रहा है। तो ये ऐसा मैं इसको ऐसा मस्त नाइसली धो के लेंगा मैं इसको। ये एक रेसिपी बताया है मुझे चैट जीपीटी ने कि पोटैटोस का अगर डायरेक्ट रामेन नहीं बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो। वैसे बना क्या रही है तू, मतलब क्या सजेस्ट किया तुझे। Why would I tell you? He is my competitor. ये पूरा इसमें डालना है कैसे ना। मैं क्या करूंगा मालूम है, जो बचा हुआ टोमेटो ना वो रीसेल करूंगा। ऑयल एक्सपोर्ट भाई बहुत महंगा है, पैसा ही पैसा होगा। तूने ऑनियन चॉप किया ऐसा सुना मैंने। नहीं है ही नहीं मेरे पास ऑनियन। आई वोंट गिव यार, ये टोमेटो चॉप नहीं हो रहे यार बारीक मेरे से। तो मुझे इसमें इसे सबसे पहले ले जाके फ्रिज में रखना है, इसलिए मैंने ये वाला चीज पहले बनाया। अच्छा मेरे को एक और डाउट है, एक सवाल है मेरे कि वो जो लोग होते हैं वो लोग जो ऐसी चीजें जो कच्ची खा रहे हैं उनके पास क्या, मतलब ऐसा गैस सिलेंडर का सब्सिडी नहीं मिलता क्या उन लोग। जा पूछ क्या। उनके स्पाइसेस होते पर इंडियन स्पाइसेस जैसे नहीं होते, तो मैं उसको इंडियन तड़का या इंडियन ट्विस्ट ऐड करूंगी। जाएंगे इसमें ढेल थाले कौन इतने बर्थ हो गए मेरे तो लगला है। मुझे नहीं पता इसका क्या बनेगा, पर मैंने दाल को लिया है। ये कितने टाइम में सीटी हो जाते हैं, मतलब करके कितने टाइम में होता है भाई। ये ब्लास्ट होने वाला है, ये माँ कसम माँ की आंख ब्लास्ट होने वाला। लग गया कुकर, लग गया। मिरेकल। मैं इसको डाल रही हूँ मेरे बाउल के अंदर। ये मस्त ऐसा मैं धनिया धो के ले लिया है। हल्दी पाउडर ये चेक करने के लिए आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये हल्दी पाउडर ही है। ऐसा चाकू लेने का, ऐसा कट मारने का और फिर ऐसा डालने का, अगर जला तो हल्दी है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। चैट जीपीटी सिमा कुछ कर देखा तारों की करी सवारी। फाइनली चॉप्ड ऑनियंस परफेक्ट, और थोड़ा सा होना बाकी है। ये तीखी होती है क्या। नहीं ना, मिलेनियल्स जेन जी से थोड़े से पहले। इसने मुझे ना इंग्रेडिएंट्स तो बताए थे सामने और मुझे लगा कि वो सारे मिक्स करने हैं, उसने लाइन से बताया और मैंने ये ऐसा मिक्स कर दिया है। उसने अभी मुझे बताया कि ये मिक्स नहीं करना है, उसको सॉर्ट करना है। श्रेया बोटा गेम चला यार। तो मुझे ना ये वाले ये चीजें ना यूज करने में बड़ा मजा आता है। तो अभी इसमें जाएगा फ्लावर। गरम नहीं है तो इसको मैंने ऐसा इसका स्वाहा किया। मम्मी मुझे ये ऐसा नहीं बनाना था, ये कुछ और ही बन रहा है। साहिल साहिली कुकिंग कर रहे हैं। सम क्या है वो, पोटैटो है क्या।
गोरा चिट्टा कैसे हो गया? वो भी तेरे से ज्यादा गोरा है। फाइनली चॉप करने के लिए ना टोमेटो अच्छा देख के लेके आना, नरम नहीं लेके आना, कड़क वाला टोमेटो लेके आना। ये एक कोरियन डिश है। कौन से जो मेरे मस्त एकदम ब्लांच हो गए, क्या बोलते हैं, ब्लांच हो गए, बॉईल हो गए? तू पोटैटो को बॉईल करने के बाद फिर से उनको भूनने के बाद फिर बॉईल कर रही है? यस, सॉरी चैट जीपीटी, मैंने तुम्हारे कुछ पॉइंट्स फॉलो नहीं किए तो मेरा रेसिपी मुझे थोड़ा सता रहा है कि वो ठीक से नहीं हो रहा है। चुप हो क्यों गाना, ये हो चुका है आई गेस। ट्रांसलूसेंट अनियन होने के लिए बोल रहे हो? चलो अब बस बचा है काम रामेन का, रिस्क नहीं लेने का। उसी के जलने की स्मेल क्यों आ रही है? है कुछ जला नहीं, कौन बोला? तो मैं जो है, मेरे ये पोटैटोस बने हैं, अच्छे बने हैं, इसका फाइनल ये रेडी कर रही हूँ। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मिर्च नीचे। साहिल तुझे नहीं लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हूँ? नहीं। और ये जा रहा है थोड़ा सा सोया सॉस। हाँ, मेरे पास ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपको भी बहुत मजा आएगा इसे देखने। ये है डिजिटल मेजरिंग स्पून। तो मेरे पास है ये मेजरिंग स्पून, कितना क्यूट है ना, देखो ना, मतलब हर चीज में मेजर करके डाल सकती हूँ। अभी इस पे कुछ भी वेट नहीं। ओके, देखते हैं आप इसका मेजरमेंट। ओके, ग्राम कितना? 1.8। दो ग्राम। तो ये जा रहा है 2 ग्राम। ओके, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसी चीजें अगर मेरे पास होंगी ना कुकिंग के लिए तो मैं डेली कुकिंग कर सकती हूँ। 2.4 हुआ है, ये 2.5 करना है। यस, अगर मेजरमेंट करके डालो तो डिश अच्छी बनती है। वैसे ये जो तू यूज कर रही है वो मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा और टिक पे, और पता है कितने में? चल गेस कर। 1000। लॉल्स, ये तुझे मिलेगा 349 में। क्या बात कर रही है, 500 से भी कम में? यस गाइस, इसका लिंक है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टडन, ये हुआ एक तड़का। अभी ये इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है। ओके, ये जा रहा है मेरा पोटैटो इसके अंदर। क्या चीज बनी है, क्या दिख रहा है वो? इस अचीवमेंट की खुशी गाइस अलग लेवल पे है। मुझे वो चॉपस्टिक्स चाहिए थे। मुझे नहीं पता रामेन कैसे बनाते हैं, बट मैं अभी इसको मैगी की तरह बना रही हूँ। इसको ऐसे डाल दूँ डायरेक्टली? तो आ गई है मेरी प्लेट प्लेटिंग के लिए। साहिल मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है यार, मेरा भी हो जाएगा ये, फिर मैं भी प्लेटिंग करूंगा। मेरे लिए भी एक प्लेट लेके आओ यार। चलो तो प्लेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। यार ये कैसा चैट जीपीटी है, अगर इसने मेरे से सैंडविच ही बनाया तो चीज क्यों नहीं डलवाया? 3, 2, 1। ओके डन। तो गाइस हमारी डिशेस तो रेडी है। AI ने जैसे बताया, चैट जीपीटी ने जैसे बताया, वैसे तो बन तो चुकी है। और अब बुलाते हैं हमारे जज को। और जज कौन है पता है? अपर्णा। हाय, ओह माय गॉड, ये इसीलिए जज है क्योंकि ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो इसको टेस्ट के बारे में भी पता है कि कैसी टेस्ट करने वाली है रेसिपीज। किसने कौन सी वाली बनाई है? नहीं ये तो नहीं पता। ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, स्टार्ट करें? यस। तो इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसको देख के थोड़ा सा मुझे। तो मिस्ट्री कुकिंग था, तो तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स क्या थे? नाइस क्वेश्चन। ये इतना स्पाइसी मस्त लग रहा है ना, कितना स्पाइसी है यार, मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पाइसी पसंद आता है। ये स्वीट है ना? हाँ, ये चवंदी है। इसके ये बीच में क्या है, ये क्या है बताओगे? ये क्या है, गेस करो आप खा के एक बार। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है दोनों। ये तो ट्राई कर लिया, अभी मैं जा रही हूँ नेक्स्ट डिश की तरफ। मूंग दाल का सैंडविच कौन बनाता है? बहेंडर गई, बहेंडर गई। लगता है अपर्णा को बहुत भूख लगी है। अच्छा है, ओके। सो मैंने डिसीजन ले लिया है। वाओ, क्विक डिसीजन। यस, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे स्पाइसी पसंद है और अच्छा लग रहा था, तो ये वो डिश है। ये 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 ये
मैंने नहीं सोचा था कि चैट जीपीटी मुझे सैंडविच बनाने के लिए बताएगा। तो आपको ये डिश कैसी लगी? साइली की बहुत अच्छी लगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे आज अभी आए हो तो। और मिलते हैं ऐसे किसी कुकिंग चैलेंज में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, मजेदार वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड बी मैड फॉर फन। मम्मी आशीर्वाद, आईचा आशीर्वाद मला पण द्या काकू, मला जास्त। माझ्या आईने आशीर्वाद देऊन पण आज काही होणार नाही, कारण माझ्यासमोर जी डिश आहे ती रामेन आहे।